हाय गाइस, हाउ आर यू। और आज हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट के अंदर लेक के पास बारबेक्यू करने के लिए। तो मैंने सोचा ये एक बहुत ही बढ़िया एक व्लॉग बनेगा। और भाई भाभी यहाँ पे अक्सर बारबेक्यू करने जाते रहते हैं, तो आज क्योंकि हम भी हैं, नवीन भी हैं, तो सोचा पूरी फैमिली वहाँ जाके बारबेक्यू करते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं और हम लोग दुबई से थोड़ी दूर पे एक जगह है जिसका नाम है अल कुदरा, और यहाँ पे बहुत सारी लेक्स होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो ये एक अल कुदरा के अंदर एक एरिया इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे थोड़े फूड ट्रक्स लगे हुए हैं और फ्रेश होने की जगह है, थोड़ा रेस्टोरेंट्स हैं, साइकिलिंग का एरिया है, बच्चों को खेलने का एरिया है। उसके बाद ही पास में ही है जो लेक जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और आप इसे पढ़ सकते हैं, अल कुदरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुके हैं 2 मिनट के लिए, थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए और ये वो। और यहाँ से हम निकल के जाएंगे सीधा अल कुदरा में, वहाँ पे हमारी दोनों गाड़ियाँ पार्क हो जाएगी और वहाँ पे शुरू होगा बारबेक्यू बनाने का मामला। बारबेक्यू बनाएंगे और बेहतरीन खाना खाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी घर पे ऑलरेडी भाभी ने और बच्चों ने कर ली है। और अब बस हम थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे और बारबेक्यू बनाएंगे, जिसकी हम आपको पूरा एक व्लॉग ये स्पेशली हम सिर्फ बारबेक्यू के लिए बनाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी लोकेशन है, अंधेरा, ठंड भी होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही है, लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर कर आया हूँ। थोड़ा बहुत बढ़िया मैं कुछ गर्म पहन लूँगा, ठंड से बच जाऊँगा, क्योंकि 4-5 दिन और रहना है यहाँ पे, बीमार नहीं होना चाहता। तो आइए अब डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं हम लोग जहाँ पे बारबेक्यू सेटअप करेंगे। आइए गाइस, ये लाइट फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे रात के वक्त, जो हमें थोड़ी रोशनी चाहिए होगी उसके लिए लाइट फिक्सिंग हो रहा है। अभी मैं आपको ऑन जैसा होता है आपको बताता हूँ। और ये लाइट का कनेक्शन गाड़ी से ले रहे हैं और गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है, और ये लाइट हमारी शुरू हो गई। तो इसका कनेक्शन यहाँ से लेके कार के अंदर से कनेक्शन दिया हुआ है। और जब तक लाइट नहीं थी तब तक चेयर्स लग गई है, अदनान और शेरियार ने ऑलरेडी चेयर्स लगा दी है। और ये अमान कम साइड, ये बारबेक्यू का ही कोयला आता है। और ये जो बारबेक्यू का जो ग्रिल है उसी में ये पंप भी लगा है, मतलब वो हवा देने के लिए, आप घुमाते रहो और वो कोयला गर्म रहेगा उससे। लो लाइट में चलता नहीं है फिर। और ये इस कोयले का फ्यूल क्या बोलते हैं इसको बेटा? दिस इज लाइटर फ्यूल। ओके, तो इससे इमीडिएटली कोयला जलेगा। घासलेट है, घासलेट। ये मोर घासलेट। ओके, रख दो। इसी क्यों लाया आप मेरे लिए बेटा ये? मून का आएगा, लेकिन हाँ ग्रिल शुरू होने पे बदक चुप हो जाएगी, उसको मालूम है जाने के बाद उसको खाना मिलेगा। और ये जलाने का काम शेरियार ने कर दिया। जिसने इसे थोड़ा फ्लेमेबल पहना है, आपने भी बेटा,
तो बी अ लिटिल केयरफुल विद दैट, खट करके पकड़ लेता है. Okay, well, let's go, please. पुराना तो निकाल के लेना, मतलब तुमने नया मेरा तो देखा नहीं क्या काम. अरे हाँ, एक काली भी था ना मकार में. They had watched Hina. We were born onto that show. तारकोल कब इसके साथ में रहा? और मैं उसको फॉरन बोला ये मत बोलना कि तुम बहुत छोटी थी जब तुम देखती थी. मैं कहा मैं बुरा मान लूँगा. नहीं, बच्चा भी छोटा ही था उसका, तो मैं समझ गया ये छोटी रही होगी. सेवेंटीज के कोड है ये इसका हाथों का. अदनान मूव लाइट. ये भी वहाँ पे दे दूँ क्या आपके पास? अच्छा इसको खोलो ना बेटा. थोड़ी सी आग कम हो गई थी तो वापस उसके अंदर फ्यूल डाल के आग बढ़ाई गई है. ये सीख कबाब, ग्रीन मसाला चिकन, ग्रीन मसाला चिकन, मटन मटन चॉप. ये है आज का पूरा मामला. वाह जी वाह. और आयशा सैलेड बना रही है. नहीं, आयशा वेजिटेबल्स तो ककड़ी. ये क्या है? केल, कैरेट्स, अनियंस, क्यूकम्बर, लेमन प्लस कच्चा आम. और ये एंड दीज आर सम मिक्सेस लाइक चीज एंड ऑलिव ड्रेसिंग के लिए. या लाइक पिकल्ड ऑलिव्स एंड पिकल्ड कैप्सिकम. और ये भी बारबेक्यू के लिए यहाँ पे आ गए हैं. रोशनी देख के यहाँ पे फौरन ही आ गए. और ये अभी जो ग्रिल के ऊपर ये जो जाली आएगी, वो जाली के ऊपर ये मटन चॉप्स लग रहे हैं. अच्छा, ये मटन चॉप को पहले क्या किए भाभी? इसको मैरिनेट किए. अच्छा, कितनी देर? 3-4 hours. तो मटन चिकन सबको एक ही टाइम इतनी देर के लिए करना पड़ता है या मटन को कुछ ज्यादा करना पड़ता है? चिकन को ज्यादा के लिए आपको ज्यादा करना है. और चिकन के लिए तो आप 1-2 घंटा मतलब मैक्सिमम कर सकते जितना भी आपको है, बट अब 1 घंटा भी सही होगा. ओके. और ये लाल हो गए हैं कोयला, और ये कोयले इतने फास्ट आग पकड़ते हैं कि आई थिंक ये 15-20 मिनट में ही लाल हो गए. ये सैलेड वॉश हो रहा है. और और ये कौन सा ऑयल है? ऑलिव ऑयल. और ये के कबाब भी सीख में लगना शुरू हो गए. वाह जी वाह. तो सीख पे पहले ये कबाब लगा के फिर ब्रश से उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे. इसको जरूरत नहीं है, उसके अंदर अपना खुद ऑयल निकल के आ जाता है. हाँ, स्कूल ऐसे पॉकेट में हाथ रख के खड़े तो ठंडी लगती है, नहीं लगती है. ठंडी थोड़ी पड़ रही है और अपने आप को बचाना है तो वहाँ पर वो बारबेक्यू करना शुरू हो गया था. उसका भी
ये ओके गुड और कैसा कुछ सीख रख दी गई है। आइए थोड़ा आप उधर जाएंगे तो लाइट में आप लोग शेख फैमिली इज ग्रिलिंग सीख शेख इज सीकिंग टू सीख और बढ़िया। तो जी पहला वो लग गया है माल, पहला बैच आ गया है चॉप और सीख कबाब का। और नवीन यहाँ पर आग लगाने का काम कर रहे थे, आग को हवा दे रहे थे ताकि हमारे सीख कबाब और चॉप जल्दी से तैयार हो जाए। बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। सॉफ्ट बने बिल्कुल। हाँ हाँ। How is it? Very nice, very nice. एक नंबर। Let's go. वाह वाह। Okay, मम्मी तो यहाँ पे है नहीं, तो हमने एक यहाँ पे दादी और मम्मी क्रिएट करी है। यंगेस्ट। हाँ। इतनी ठंडी लग रही मुझे, कहाँ कहाँ लेके आ जाते तुम? मैं खाना भी नहीं खाती कुछ। ओके तो ये जो है ग्रीन वाला चिकन हरा भरा ये मसाला बनाया फातिमा ने है और इसको मैरिनेट भी फातिमा ने किया है और इसका जो मसाला है ये आयशा के ससुराल का, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। सर आप या बस दैट्स इट, थैंक यू। वाह जी वाह, एक्चुअली हरा भरा वाला टेस्ट है ना, हरा और बहुत भरा। Thank you.
और दोस्तों ये कुदरा लेक के पास जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग वीकेंड्स पे बारबेक्यू के लिए आते हैं। जैसे कि जहाँ हम लोग थे वहाँ पे हमारे आगे पीछे काफ़ी लोग थे जो बारबेक्यू कर रहे थे। और ये जो एक लोग थे जो आपको लाइट दिख रही है, ये देखिए, ये लोग तो अपना प्रोजेक्टर भी लेकर आए थे, मतलब उन्होंने बारबेक्यू किया उसके बाद फिल्में देखी। और खाने पीने के बाद जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम लोग को चाहिए थी वो थी इस ठंड के मौसम में चाय। और थोड़ी देर में भाईजान ने केटल, चाय का पानी, दूध, सारा इंतज़ाम था। दैट वाज सरप्राइज, हमें लगा यहाँ कहाँ चाय, लेकिन उसके बाद चाय बनाई गई उसी कोयले के ऊपर जिसके ऊपर हम पहले बारबेक्यू बना रहे थे। और गाइस क्या मज़ा आया, मतलब ठंड के मौसम में आप गरम गरम बारबेक्यू, चिकन चॉप, मटन चॉप्स और सीख कबाब के साथ जब चाय पीते हैं तो मज़ा ही आ गया। मतलब ठंड के मौसम में अल्टीमेट था चाय बना के वहाँ पे पीना, सुपर्ब। खाना वाना हो गया, बारबेक्यू आपको मैंने बताई है कि क्या 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 हम लोगों ने खाया, और सब क्लीन भी कर दिया बच्चों ने, फटाफट उठा के सब रख दिया, वो भी पैक हो गया, सारा कुछ अंदर कर दिया। और अब लास्ट जो बाकी है वो चाय बन रही है, तो चाय पी जाएगी पैकअप करने से पहले, और फिर चाय के बाद घर की ओर प्रस्थान किया जाएगा। सब कुछ उठा लिया गया है गाइज, मतलब ठंड में बारबेक्यू, गरम गरम खाना, कबाब और मटन चॉप, सीख कबाब, मटन चॉप और चिकन हरा भरा, मज़ा आ गया। और गाइज हम लोग शहर के इतना बाहर थे, एक आउटस्कर्ट्स के ऊपर है, लेकिन साफ़ सफाई का इतना इंतज़ाम यहाँ पे गवर्नमेंट रखती है कि आप बिल्कुल क्लीन करके जाते हो। और कचरे की गाड़ियाँ रात के इस वक्त वहाँ पे 3 बज रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर आई और सारा कचरा साफ़ करके चली। और गरम गरम चाय के साथ बनाया गया बहुत ही बेहतरीन हुक्का, मतलब ठंड के मौसम में हुक्का और चाय, अल्टीमेट क्या कॉम्बिनेशन था। तो थोड़ा थोड़ा हुक्का हमने भी पिया, चाय की चुस्कियाँ भरी, और मौसम को और इस लेक साइड को, रेगिस्तान के बीच में इस बारबेक्यू को बहुत एंजॉय किया। अमान इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट चिलम बना रहे हैं, चिलम बिरयानी मेकर, एक्सपर्ट कबाब अबाब, टिक्का, सीख कबाब एंड चिलम मेकर ऑल्सो। ये इसको चिलम बोलते हैं, चिलम चिलम। गाइस तो ये था आज का अल कुदरा में लेक के साइड बारबेक्यू, जहाँ हमने आयशा के ससुराल के मसालों की बनी हुई, फातिमा के
द्वारा पकाए मसाले तैयार की हुई हरी मिर्ची का चिकन खाया, चिकन हरा भरा और कबाब और कुछ मटन चॉप्स, और इस ठंड में मज़ा आ गया, एक नंबर से गाइस। होप यू एंजॉयड, यस प्लीज हिट द लाइक बटन। मैक्सिमम जो प्रिपरेशन की थी वो इस बंदे ने करी थी, सो लॉट ऑफ पॉइंट्स टू हिम। ना वो तो उनके बिना तो बनता ही नहीं ना, मतलब पूरा सारा मसाला वसाला सब उन्हीं का पूरा प्रिपरेशन था, बट दिस गाय रियली वर्क हार्ड। एंड ऑफ कोर्स भाभी के सब सिखाए हुए हैं ये, इन्होंने पूरा ट्रेन किया है, मजा आ गया। और बॉस उधर हैं जो अब लाइट का पैकअप कर रहे हैं, और ये झंडा उतर गया लाइट का हमारा। So guys, on that note, bye-bye.